अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और अभी मैं और डॉक्टर मोइज बेसिकली वी जस्ट गॉट टू नो अबाउट द न्यूज़ जो मरी और गलियात में इस वक्त हादसा हुआ है और इतनी सारी अमवात हुई हैं। एंड इट इज़ अ वेरी सैडन डे टू बी वेरी फ्रैंक कि इतने सारे लोग सर इस वक्त फंसे हुए हैं और जो है रात से जो फंसे हुए लोग थे उनकी गाड़ियों में ही अमवात मतलब मौत हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान के लिए एक ऐसा दिन है जहाँ तमाम लोगों को अफसोस है जो दुनिया से चले गए और जिस हालत में इनके अमवात हुई है, गाड़ी के अंदर ऑक्सीजन ना होने की वजह से या शदीद सर्दी की वजह से निकल नहीं पाए। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनके रिश्तेदारों को, उनके घर वालों को सब्र दे, अता करे परवरदिगार। मुझे ये समझ में नहीं आती कि अगर बर्फबारी है तो आप अपने बच्चों को लेके क्यों निकल जाते हैं। यानी अगर आप अकेले हैं तो आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं, गाड़ी में से निकल सकते हैं, आसपास दरख्त है, झाड़ियाँ, उनको जला के आग लगा कर कम से कम वो तपिश से आपको बच सकेंगे। मगर आप बच्चों को लेके निकले, गाड़ियों के शीशे बंद है, ऑक्सीजन की कमी हो गई, गाड़ी चल रही है फंसी हुई है बर्फ के अंदर। मतलब दुनिया में जब लोग निकलते हैं बर्फ, देखिए बर्फ देखने निकले, बर्फबारी देखने निकले, इंतजाम करके निकले। आपकी गाड़ी में वो तमाम सामान होना चाहिए कि खुदा ना खास्ता कहीं फंस जाए तो आप निकल सके उस मुश्किल से। सही। तो मतलब बहुत अजीब और गरीब बात है। मैंने तो सुबह जब न्यूज देखी मैं हैरान हो गया। मैंने कहा हर रोज पाकिस्तान में एक बुरी न्यूज क्यों आ रही है, क्या हो गया हमारे माशरे को, हमारे मुल्क को। अल्लाह ताला रहम करे हम पर, रोज नई नई कोई बात होती है। अच्छा सर, गाड़ी को बंद कर देना एक नॉर्मल जहन इंसान के जहन में शऊर होता है कि हमने गाड़ी बिल्कुल बंद कर दी और इतने सारे चार लोग एक साथ ब्रीथ कर रहे हैं अंदर, तो डेफिनेटली इवेंचुअली ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। लेकिन वही बात होती है कि उम्मीद होती है कि अब रास्ता खुलेगा, अब रास्ता खुलेगा, या हो सकता है वो अंदर स्टक हो गया और वो कुछ खोल ही नहीं पा रहे हैं, खिड़कियाँ भी मतलब विंडोज भी स्टक हो चुकी हैं, वो नहीं खुल पा रहे हैं, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन बिल्कुल गाड़ी में खत्म हो चुकी है। बर्फों में गाड़ी दबी हुई है कहीं, अगर आप देखें जो मुख्तलिफ तो कई गाड़ियाँ दबी हुई है बर्फों के अंदर। जब गाड़ी बर्फ चली गई तो आप दरवाजा नहीं खोल सकते, आप निकलेंगे कैसे। सही। अच्छा, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग ये होती है कि आप शीशा तोड़ दें सामने, उसके लिए आपके पास औजार होने चाहिए ना। सही। जब आप बर्फ देखने निकलते हैं या बर्फानी इलाके में निकलते हैं तो आपके पास कुछ औजार होते हैं ताकि आप ये विंडशील्ड जो है इसको तोड़ के बाहर निकल सके। आप गाड़ी को आग लगा दें, आपकी जान से ज्यादा गाड़ी तो नहीं, निकलने के बाद गाड़ी को आग लगा दें, उस गर्मी से आप वक्ती तौर पर बच जाएंगे, कई घंटे तक वो आग जलती रहेगी, झाड़ियां लेकर आग लगा लें। मगर ये तरीका नहीं है कि आप ऐसे ही निकल गए, सिर्फ अपने गर्म कपड़े लेके निकल गए, ये काफी नहीं है। अच्छा, और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हुकूमत कर रही है, अभी मैंने सुना है हुकूमत ने बड़े तेज ऑपरेशन शुरू किया है फंसे हुए लोगों को निकालने का, मगर ये कि हुकूमत कितना कर सकती है, हमारे में भी तो शऊर होना चाहिए। एक और चीज है, निकलने से पहले हमने अक्सर देखा है वो लोग जिनको शौक है हाइकिंग का, जिनको शौक है ट्रेलिंग का और ऐसी जगहों पर जाने का, फॉर एग्जाम्पल इन नेपाल वी हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल कि वो अगर माउंट एवरेस्ट की उस पर जा रहे हैं, उसको सर करने जा रहे हैं, तो उसके अंदर उनको ये पता होता है कि अब कल वेदर क्या होगा, इस वेदर में मुझे आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं बढ़ ही नहीं सकता हूँ। और इस तरह अब हम अपने घरों से निकलते हैं किसी भी ऐसी सैर और तफरी के लिए तो हमें भी वेदर का पता होना चाहिए, राइट, कि हम उस वेदर के लिए हमारी गाड़ी बनी हुई नहीं है। बिकॉज इन कैनेडा आई रिमेम्बर वी सॉ के बर्फबारी के लिए अलग टायर्स होते हैं, अब नॉर्मल टायर के अंदर बर्फ वाले इलाकों में नहीं जा सकते हैं, तो ऐसी गाड़ियां देखी जो बिल्कुल इक्विप्ड ही नहीं थी कि उस एरिया में उस रस्तों पे वो जा सके, बट पीपल हैज इवन गॉन देन विद देयर किड्स। दूसरा सामान्य सफर, आप बर्फ देखने जा रहे हैं, आपको पता है बर्फ पड़ी हुई है, ठंड ज्यादा है, अगर आप बच्चों को लेके जाते हैं तो आप ऐसा सामान लेके जाए कि इमरजेंसी में काम आए। हमने देखा था जब हम पंजाब वगैरह में थे और पता ना रास्ते बंद हो गए थे और उसके बाद जो गाड़ियां हजारों गाड़ियों की लाइन थी जिसमें पेट्रोल खत्म हो गया। अच्छा होता क्या, बर्फ में अगर आपकी गाड़ी फंसी है या गाड़ी आगे लाइन लगी हुई है, गाड़ियां फंसी हुई है, बर्फ गिर रही है, तो आप जा रहे हीटर चलाते हैं, ठीक है, अब शीशे आपके बंद होते हैं, अब उससे क्या होता है कि आपकी ऑक्सीजन जो गाड़ी में जो लोग सांस ले रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऐसे ऐसे गाड़ी में ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। और अगर बर्फ पे गाड़ी फंसी तो आप शीशा भी नहीं उतार सकते, आप ऑक्सीजन कहाँ से लाएंगे। दूसरी सख्त सर्दी, कुछ देर के बाद आपकी बॉडी जो है ना उसका जो हीट मैकेनिज्म है जिससे बॉडी गर्म रहती है वो कमजोर होके खत्म हो जाता है, तो हाइपोथर्मिया कहते हैं, वो लग जाता है आपको खत्म और आपकी मौत हो जाती है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ मैंने जब वीडियोस देखी, अल्लाह ताला हमको इस किस्म की मौत से बचाए, तमाम पाकिस्तानियों को महफूज रखे
और कम से कम हमें शो। और सबसे अफसोस की बात है जो मुझे बहुत अजीब लगी कि एक इंसान अपने जब घर से निकलता है या जब ये सोच के भी निकला होगा कि यार मैं बर्फ देखने जाऊंगा या मैं सैर तफरीह पे जा रहा हूँ और वहाँ से इतनी बुरी खबर हुई घर वालों के लिए, इसके खानदान के लिए, इट इज सच अ हार्ट ब्रेकिंग न्यूज एंड सच अ हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट दैट हैज हैपेंड। सो प्लीज द पीपल हु आर इन द फ्यूचर, प्लीज बी वेरी केयरफुल when you are going somewhere, be equipped to that and listen to, go and read about the weather, listen to the government warnings as well, because I think as per I read somewhere ke somebody told me, I think Swail bhai told me that ek raat pehle Sheikh Rashid sahab ne warning di thi, right, ke वहाँ पे रशोरी और इस्लामाबाद से लेके मरी तक का रास्ता भी बंद किया था। सो प्लीज लिसन टू द गवर्नमेंट वार्निंग्स एंड टू ऑल द फैमिली हु हैज सफर्ड, वी आर रियली सॉरी एंड मे देयर सोल रेस्ट इन इटर्नल पीस। मुझे सबसे ज्यादा जो है ना वो जो बच्चों की अमवात हुई ना, मतलब इंसान क्या हाल होगा उस वक्त कि जब फंसे हुए ना गाड़ी आगे जा सकती ना पीछे जा सकती है, दरवाजा अपनी बच्चों की चीख होगी, बच्चों का रोना होगा, मतलब एक कयामत का मंजर होगा। मुझे बहुत सुन के और सोच के बहुत तकलीफ हो रही है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, आमीन आमीन। डू मेक श्योर दैट वी आर एबल टू स्प्रेड दिस अवेयरनेस टू अदर पीपल और वो फैमिलीज जिनकी इतनी बुरी, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें सो दैट पीपल। बर्फ में जाने तो अच्छी बात है, मुझे बड़ा शौक है, अलबत्ता साजो सामान लेके, हर सफर में इंसान सफर का सामान लेके जाता है, तो प्लीज इस चीज का ख्याल रखें ताकि आगे ऐसा हादसा ना हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।